करती मैं पतवार तू आले चल। सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल के एक और नए वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज की टेम्पलेट काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है। सो इस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली है। ऐप का नाम है आवी प्लेयर। डिस्क्रिप्शन में आवी प्लेयर प्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल को नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लो ताकि हम जो भी न्यू व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा, कोई बॉक्स वाला आइकन दिख रहा होगा, बॉक्स वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको ये जो दिख रहा होगा लोड फ्रॉम फाइल का, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको तीन लाइन पे क्लिक करके फाइल मैनेजर के अंदर चले जाना। मैं पहले से यहीं पे हूँ। तो उसके बाद आपको टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। टेम्पलेट का जो नाम लेना है विजुलाइजर 1912.wiz, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट नंबर पे जो बॉक्स रहेगा वहाँ पे ये अपना टेम्पलेट आ जाएगा। तो इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपको पेंसिल वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, और इस पर क्लिक करना है। छोटा सेटिंग करना होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे एक इमेज लिखा है यूर इमेज करके, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है, सबसे नीचे आना जनरेटेड एनवायरनमेंट पे क्लिक करना है और तीन नंबर पे जो टिक रहेगा आपको इसको अनटिक कर देना है। फिर आपके इमेज शो हो जाएगा। अगर आपको यही इमेज रखना था वो कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं। अगर आपको इमेज चेंज करना है तो इमेज चेंज करने के लिए इमेज पे क्लिक करना है, फिर कस्टम इमेज पे क्लिक करना है, फिर पिक इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो भी इमेज पे वीडियो बनाना चाहते हैं इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं ही रखने वाला तो मेरे को चेंज करने का जरूरत नहीं है। फिर आपको ऑप्शन दिख रहा है उसके नीचे ब्लर इफेक्ट का, ब्लर इफेक्ट पे क्लिक करना है। ब्लर इफेक्ट पे क्लिक करने अपीयरेंस पे क्लिक करना है। देखिए जो पहले नंबर पे जो बॉक्स होगा वो खाली पड़ा होगा तो उसको टिक कर देना, सिर्फ पहले नंबर वाले बॉक्स को। इतना इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद ऑप्शन दिख रहा है देखिए यहाँ पे PNG टेक्स्ट GIF बॉर्डर PNG के नीचे, और बॉर्डर वाले पहले बॉर्डर PNG पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है जनरेट एनवायरनमेंट का, इस पर क्लिक करना है। जनरेट एनवायरनमेंट पे तीन नंबर पे जो टिक रहेगा आपको इसको अनटिक कर देना। तो आपको यहाँ पे देखिए बॉर्डर आना शो हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन दिख रहा है PNG टेक्स्ट GIF, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है, जनरल पे क्लिक करना है। देखिए विजिबल नहीं होगा, देखिए यहाँ पे, तो आपको इसको टिक करके विजिबल कर देना है। इतना इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद ऑप्शन दिख रहा है देखिए यहाँ पे टेक्स्ट चैनल नेम, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक अपीयरेंस पे क्लिक करना है। अपीयरेंस पे क्लिक करना है, देखिए चैनल का नाम दिख रहा होगा, मेरे चैनल के नाम पे क्लिक करना है। मेरे चैनल के नाम पे क्लिक करने के बाद वापस मेरे चैनल के नाम पे क्लिक करके अपना नाम अपने चैनल का नाम डाल देना है। फिलहाल मैं यही नहीं देता हूँ, आपको क्लोज करके यहाँ से बैक आ जाना है। सुबह को तीन लाइन पे क्लिक करके लाइब्रेरी पे जाना है और जिस भी गाने पे वीडियो बनाना चाहते हैं गाना आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे गाना सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसका लिंक भी वीडियो दे दूंगा। तो छोटा सेटिंग करना होगा, फिर आपको ये एक्सपोर्ट एरो, ये एक्सपोर्ट वाला बटन दिख रहा होगा एरो वाला, इसको नहीं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको छोटा सेटिंग करना होगा। यहाँ पे लिखा वीडियो विड्थ, यहाँ पे लिखा वीडियो हाइट। तो वीडियो विड्थ के अंदर जो भी लिखा होगा उसको काट लिख देना है 1080, और वीडियो हाइट के अंदर जो भी लिखा होगा उसको काट लिख देना है 1350। इतना करने के बाद ये नीचे एक्सपोर्ट वाला बटन पे क्लिक करके फुल वीडियो के अंदर सेव कर लेना है। इसके बाद छोटा सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। देखिए स्टार्ट टाइम एंड टाइम जितना भी लिखा होगा उसको 0 पे क्लिक करके आप 30 कर देना, अपने हिसाब से जितना भी टाइम रखना चाहते हैं अपने हिसाब से कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट वाला बटन पे क्लिक करके फुल वीडियो के अंदर सेव कर लेना है। तो आपको टेम्पलेट कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद।